तो दोस्तों फाइनली पोको का पोको F3 GT लॉन्च हो गया है इंडिया के अंदर और ये ग्लोबली बोल सकते हैं लॉन्च हो गया है। क्या है इसका खासियत, क्या कुछ प्राइस रखा गया है और इस प्राइस सेगमेंट को ये जस्टिफाई करता है कि यानी कि जिस रेंज में ये लॉन्च हुआ है इसमें ये ठीक खड़ी उतरता है कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। और 2-3 सालों के बाद यानी कि लास्ट F3 पोको का जो लॉन्च हुआ था वो 2018 में था, अब 2021 में ये पोको का F3 फिर लॉन्च हुआ है। तो कैसा है टेक की बात है कि इस वीडियो में बात करेंगे, पूरा डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको जानना है कि पोको F3 GT कैसा है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो दोस्तों फाइनली पोको का पोको F3 GT इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया और ये मैं पहले बता दिया था एक वीडियो बना के क्या कुछ आपको देखने को मिले, लगभग वही सेम है। क्या कुछ है डिजाइन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो मेटल फ्रेम के साथ आपको देखने को मिलेगा, पीछे की तरफ जो बैग दिया गया वो दिखता तो है मेटल के जैसा लेकिन मेटल नहीं है, वो ग्लास बैक पैनल है। कॉर्निंग गोला ग्लास 5 का सपोर्ट है, फ्रंट एंड बैक दोनों में आपको कॉर्निंग गोला ग्लास 5 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि बताया कि जो फ्रेम दिया गया है वो फुल मेटल एलॉय फ्रेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेकिन आप डिजाइन देखेंगे तो आपको लगेगा बैग में मेटल दिया गया लेकिन ऐसा नहीं है, फुल यहाँ पे ग्लास बॉडी पीछे में देखने को मिल जाता है। अब सामने तरफ बात करते हैं यानी कि डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस वाला 10 बिट वाला सुपर एमोलेड, जिसको ये टर्बो एमोलेड बोलते हैं, वो वाला आपको डिस्प्ले मिलेगा। 120Hz का यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और साथ साथ यहाँ पे कॉर्निंग गोला ग्लास 5 का जैसे बताया कि सपोर्ट देखने को मिल जाएगा यानी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ और एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो इसका टच सैंपलिंग रेट है वो 480Hz का यहाँ पे आपको टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में बात करते तो मीडियाटेक का डिमेंसिटी वाला प्रोसेसर देखने को मिला 1200, जो कि मीडियाटेक का डिमेंसिटी सीरीज का सबसे टॉप एंड वेरिएंट वाला प्रोसेसर है, वो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 1200 वाला GPU देखने को मिल जाएगा, CPU देखने को मिल जाएगा और ARM का G77 वाला GPU आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये जो चिपसेट है ये आपको रिसेंटली यानी कल जो लॉन्च हुआ OnePlus का Nord 2, उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। और इन दोनों का कंपेरिजन साइज से आपको कल एक वीडियो देखने को मिल जाएगी, दोनों में क्या कुछ अलग है, क्या कुछ डिफरेंस, सबके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए क्योंकि ये पोको के बारे में है तो सिर्फ पोको का वीडियो मैं बना दिया, कल आपको इसका बारे में कंपेरिजन डिटेल्स कंपेरिजन दोनों के फोन का बारे में देखने को मिल जाएगा। और ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ये सब वीडियो कल भी आपको देखने को मिल जाए। और ये जो चिपसेट है जैसे बताया 5G वाला है और GPU आपको बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे रैम रोम वेरियंट की, तो UFS 3.1 सपोर्टेड वाला यहाँ पे आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। रैम वेरियंट की बात करें तो 3 वेरियंट में आपको देखने को मिल जाएगा, रैम वेरियंट तो 2 है लेकिन स्टोरेज वेरियंट आपको 3 देखने को मिल जाएंगे, 6GB 120GB 8GB 128GB 8GB 256GB, ये 3 वेरियंट में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ 3 कैमरा देखने को मिल जाएगा। जो प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिलता है वो 64MP का, जिसमें कि आपको सोनी का 760 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है, उसके बाद एक 2MP का मैक्रो सेंसर और एक 8MP का वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करते हो 16MP का यहाँ पे आपको सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। अब बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड वाला एक फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, सुपर एमोलेड है तो अंडर डिस्प्ले भी दे सकते थे लेकिन यहाँ पे आपको साइड माउंटेड वाला एक फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने में, बाकी जो फोन होते हैं उसी तरह आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, बहुत सारी चीज यहाँ पे आपको ऊपर में ट्रिगर बटन देखने को मिल जाता है, जिससे कि जैसे अगर आप जॉयस्टिक वगैरह खेलते हैं प्ले स्टेशन वगैरह तो वहाँ पे L1, L2, R1, R2 ये सब होता है, तो उसी तरह यहाँ पे आपको एड ट्रिगर और फिजिकल ट्रिगर का 2 बटन दिया गया। अगर ऊपर साइड की बात करें जिस तरफ बटन दिया गया वहाँ पे टोटल आपको 5 बटन मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये जो 5 बटन है इसमें से कोई भी वॉल्यूम रॉकर बटन नहीं है, वॉल्यूम रॉकर बटन आपको ऑपोजिट साइड में देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस तरफ आपको 5 बटन देखने को मिल जाएंगे। 2 बटन तो है उसको जो एयर टिगर बटन है उसको ओपन करने के लिए और 2 बटन जो एयर टिगर है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इस तरफ की बात करते हैं तो बटन के बारे में बता दो, और एक चीज़ बता दो कि यहाँ पे आपको ट्रिपल माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। जी हाँ, 3 माइक्रोफोन, एक साइड इस साइड में, एक ऊपर साइड में और एक नीचे साइड में, 3 माइक्रोफोन टोटल देखने को मिल जाता है, क्योंकि अगर आप गेम खेल रहे हैं तो रिसीव सही से होगा, इसीलिए यहाँ पे आपका जो कमेंट दे रहे हैं वो रिसीव करने के लिए बात कर रहे हैं, वो रिसीव करने के लिए यहाँ पे 3 माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। जनरली अगर पता नहीं तो जनरली जितने भी फोन होते हैं सब में
जनरली आजकल दो माइक्रोफोन देखने को मिल जाते हैं, एक नॉर्मल माइक्रोफोन होता है और एक नॉइज कैंसिलेशन के लिए माइक्रोफोन दिया जाता है जो सेकेंडरी माइक्रोफोन बोलते हैं, लेकिन इस केस में आपको तीन माइक्रोफोन देखने को मिल जाते हैं। और माइक्रोफोन से याद आया कि स्पीकर के बारे में बता दूं, यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का स्पीकर मिलता है और स्टीरियो स्पीकर दो तरफ मिलते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ आपको यहाँ पे स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल नहीं है, डबल स्पीकर है, ताकि आप जब गेम खेलें, ये बेसिकली ये जो फोन है ये पूरा गेमिंग सेंट्रिक फोन आप बोल सकते हैं, उसके नजर में यहाँ पे आपको एयर टिकर मिल जाते हैं और दो बटन ऊपर की तरफ भी मिल जाते हैं, साथ साथ डुअल स्पीकर मिल जाते हैं ताकि अगर आप गेम खेलेंगे तो साउंड जो आएगा बहुत ही अच्छी तरह से आएगा, इसीलिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और कूलिंग के लिए बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर आपको देखने को मिल जाता है, जैसे लिक्विड कूलिंग मिला तो उसी तरह आपको यहाँ पे कूलिंग फीचर्स भी बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, तो गेम खेलेंगे तो ज़्यादा हीटअप भी यहाँ पे नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ मिलता है, तो 4G वोल्टेज वगैरह मिल जाता है, 5000 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी मिलता है, टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है और टाइप सी पोर्ट जो दिया गया है वो आपको एक अजीब तरह का वहाँ पे जो चार्जर मिलता है वो एल शेप का आपको देखने को मिलता है। नॉर्मल जो चार्जर होता है जैसे डायरेक्ट होता है उसी तरह का चार्जर यहाँ पे नहीं मिलता है, जो डाटा केबल दिया गया है वो एल शेप का दिया गया है। और चार्जर की यहाँ पे बात करते हैं तो 67 वाट का यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। अब आखिर में कलर के बारे में और प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो कलर यहाँ पे दो कलर में आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपल बात सर मैंने बताया तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आपको देखने को, यहाँ पे ब्लैक एंड सीमेंट कलर या मेटालिक कलर बोल सकते हैं उस कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो प्राइस तो यहाँ पे एक अलग अलग सेगमेंट रखा गया है, अगर आप पहले वीक में खरीदते हैं तो अलग सेगमेंट है, दूसरे वीक में 500 रुपये बढ़ जाएगा और तीसरे वीक में उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको कब से देखने को मिलेगा, तो 26 जुलाई से आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन 24 जुलाई से इसका प्री ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो अगर आप प्री ऑर्डर करते हैं या फिर 26 जुलाई को आप फास्ट सेल में बाय करते हैं तो उस टाइम का जो प्राइस होगा वो आप देख सकते हैं, 26,000 रुपये से स्टार्ट होगा बेस वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट आपको 30,000 में देखने को मिल जाएगा। उसी तरह सेकंड वीक को जाएंगे तो 500 रुपये बढ़ जाएगा और जो रियल प्राइस है उसका यानी कि लास्ट वीक 3 के बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा 27,000। तो 27,000 से ये आपको बेस वेरिएंट देखने को मिलता है और उसके बाद जो टॉप एंड वेरिएंट है वो 31,000 में आपको देखने को मिल जाता है। और ऊपर से ये भी बता दूं कि अगर आप फास्ट सेल में खरीदते हैं यानी कि 26 जुलाई से आप जब बाय स्टार्ट होगा सेल स्टार्ट होगा उस टाइम अगर बाय करते हैं, अगर आप ICICI कार्ड यूज करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड अगर यूज करते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों पोको F3 GT की कहानी, आई होप आपको पसंद आया होगा। टोटल डिटेल बता दिया कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, कैसा है फोन, आई होप इसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि किस तरह फोन आपको देखने को मिलता है, कैसा है और प्राइस क्या है, कब से मिलेगा, इन सब के बारे में डिटेल्स में बता दिया। और इस फोन के बारे में और OnePlus Nord 2 जो है इन दोनों का कंपेरिजन कल आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बता दिया उस टाइम में कब देखने को मिल जाएगा। तो बस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे कर देना, इस वीडियो को तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया है तो चैनल को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को नहीं वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं टेक वन यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।